बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जरा हाथ को नाक के पास लाइए और हवा को बाहर छोड़िए। कुछ गर्माहट महसूस हुई? इसका अर्थ यह हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है उसका तापमान हमारे वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड के तापमान से थोड़ा ज़्यादा है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो क्या बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर में अधिक और वातावरण में कम है? चलिए जानने का प्रयास करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें ताजे बने चूने का पानी चाहिए, दो परख नली जिसे मैंने पहले से नामांकित किया है अ और ब, परख नली स्टैंड और एक दो छेद वाली रबर की कॉर्क। इसमें स्ट्रॉ फंसाया है, स्ट्रॉ की जगह आप खाली रिफिल भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों परख नली में इस चूने के पानी को डालेंगे और स्ट्रॉ की सहायता से अ परख नली में हवा भरेंगे और ब परख नली में हवा को बाहर खींचेंगे और चूने के पानी में हो रहे परिवर्तन को नोट करेंगे। सबसे पहले हम अ परख नली लेंगे और इसमें चूने का पानी डालेंगे। इसी प्रकार से ब परख नली में भी चूने का पानी लेंगे। अब इस अपरख नली में कॉर्क को फंसाएंगे और जब हम इसमें हवा डालेंगे तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अपरख नली में जो चूने का पानी है वो दूधिया हो गया। आप बपरख नली से इसकी तुलना कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम जो दूसरी परख नली है उसमें हम हवा को बाहर खींचेंगे। अब ब परख नली में कॉर को फंसाया है, इसमें हम हवा को बाहर खींचेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ब परख नली का भी पानी दूधिया हो गया, लेकिन ब परख नली के पानी को दूधिया होने में ज़्यादा समय लगा बल्कि अपरख नली का पानी दूधिया जल्दी हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे मुंह के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर गई और चूने के पानी के साथ इसकी क्रिया हुई और इस परख नली में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर गई और इसकी क्रिया चूने के पानी से हुई। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है जिसके कारण इस चूने का पानी जल्दी दूधिया हो गया, बल्कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम मिली जिसके कारण इसका पानी जल्दी दूधिया नहीं हुआ।